इंसानों की टोली। पुराने ज़माने की बात है कि इंसानों की टोली जंगल के रास्ते से जा रही थी। अचानक दो इंसान एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब दूसरे एक आदमी ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है तो ऊपर खड़े सभी इंसान चिल्लाने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से नहीं निकल सकते, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम दोनों इसमें से निकलने की उम्मीद छोड़ दो। उन दोनों इंसानों ने शायद ऊपर खड़े इंसानों की बात नहीं सुनी और गड्ढे से निकलने के लिए लगातार वो उछलते रहे। बाहर खड़े सभी इंसान लगातार कहते रहे, तुम दोनों बेकार में मेहनत कर रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम दोनों को हार मान लेनी चाहिए, तुम नहीं निकल सकते। गड्ढे में गिरे दोनों इंसानों में से एक इंसान ने ऊपर खड़े इंसानों की बात सुन ली और उछलना छोड़कर वो निराश होकर एक कोने में बैठ गया। दूसरे इंसान ने प्रयास जारी रखा, वो उछलता रहा जितना वो उछल सकता था। बाहर खड़े सभी इंसान लगातार कह रहे थे कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, पर वो इंसान शायद उनकी बात नहीं सुन पा रहा था और उछलता रहा और काफ़ी कोशिशों के बाद वो बाहर आ गया। दूसरे इंसानों ने कहा, क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी? उस इंसान ने इशारा करके बताया कि वो उनकी बात नहीं सुन सकता क्योंकि वो बहरा है, सुन नहीं सकता, इसीलिए वो किसी की भी बात नहीं सुन पाया। वो तो यह सोच रहा था कि सभी उसका उत्साह बढ़ा रही हैं। कहानी की सीख, जब भी हम बोलते हैं उनका प्रभाव सकारात्मक बोलें। लोग चाहे जो भी कहें, आप अपने आप पर पूरा विश्वास रखें और सकारात्मक सोचें। कड़ी मेहनत, अपने ऊपर विश्वास और सकारात्मक सोच से ही हमें सफलता मिलती है। धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।